हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। सो हम लोग आ चुके हैं सेल स्क्रिप्टिंग के नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है कंडीशंस के ऊपर। आज हम लोग सेल सेल स्क्रिप्टिंग करेंगे कंडीशंस के ऊपर, यानी हम लोग एक बार इफ देखेंगे, एक बार हम लोग एल्स देखेंगे, एक बार हम इफ एल्स देखेंगे और एक इफ एल्स इफ देखेंगे। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग करने के वाले हैं, मतलब अगर आप लोगों ने किसी ने भी पाइथन सीखी होगी या इफ एल्स स्टेटमेंट अगर किसी ने भी कोडिंग लैंग्वेज सीखी है तो उसको आइडिया लग गया होगा। बाकी कोई अगर नहीं सीखी है तो भी कोई बात नहीं है, प्रॉब्लम की बात नहीं है, मैं आपको यहाँ पे आज सिखाने वाला हूँ। ठीक है, इफ क्या होता है, इफ एल्स क्या होता है, इफ एल्स इफ क्या होता है, मैं तीन चीजों को आज समझेंगे इस वीडियो में। ठीक है, और हाँ, इस वीडियो को बता दूं, आप लोग परेशान मत होना देख के, अगर किसी को कोडिंग नहीं आती है तो उसको परेशान होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। बहुत ही बेसिक चीजें हैं ये, बस आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बट आप सीख जाओगे। ठीक है, मैं भी यहाँ पे टाइम लगेगा बट कोई बात नहीं, बट मैं यहाँ प्रेफर करने वाला हूँ कि जो है मैं आपको कॉपी पेस्ट नहीं करूंगा जैसे हमने पिछली वीडियोस में किया था, मैं आपको इस बार लिख के दिखाऊंगा। मतलब मैंने, मुझे ऐसा फीडबैक लगा है कि शायद आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही है कॉपी पेस्टिंग में, मतलब मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूं, आपको समझने में दिक्कत होती है। ठीक है, राइट। तो अगर आपने सेटअप अब तक नहीं किया है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहां पे आपको वीएमवेयर सेटअप मिलेगा, वहां जाकर आप ऐसा सेटअप कर सकते हो अगर आप चाहते हो तो। अदरवाइज आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाकर के लिनक्स परफॉर्म कर सकते हो, जहां पे लिनक्स परफॉर्म करने की मतलब जहाँ पे कह सकते हो कि जहाँ पे आप कर सकते हो, मैं ना बेसिकली आप किसी वर्चुअल मशीन पे या कहीं पे जहाँ पे आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है, अगर आप कहीं जाते हो वो कर लो। अदरवाइज आपको यही सेटअप करना है तो आप जाकर के मेरा वीडियो देखो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां मैंने ये सेटअप किया है, वहां जाकर आप इसको कर सकते हो। राइट, चलिए शुरू करते हैं ना आज का टॉपिक जो कि है कंडीशंस के ऊपर। तो पहले हम लोग करेंगे इफ। इफ के लिए मैं क्या करूंगा, मैं एक विम एडिटर के साथ मिल करके, मतलब विम एडिटर है, पता है ना, इफ डॉट एस एच फाइल बनाऊंगा एक। ठीक है, राइट, मैंने बना ली एंड आई प्रेस कर दूंगा, इंसर्ट मोड पे आ जाएंगे। सबसे पहले मैं इसमें लिखने वाला हूँ जो उसका हेडर होता है। ठीक है, सो दिस इज द हेडर जो हमें प्रूफ करता है कि ये एक नीचे शेल स्क्रिप्टिंग वाली फाइल है। ठीक है, सो इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, दिस स्क्रिप्ट विल चेक द वेरिएबल इज, तो थोड़ा बहुत स्पेलिंग गड़बड़ होगी ना तो देख लेना, ठीक है, इग्नोर कर देना, ग्रेटर देन 10 और नॉट। ठीक है, सो अब हमने जो कि यहाँ पे आगे हैश लगा रखा है, तो हैश का मतलब होता है कि इसको जो है शेल स्क्रिप्ट जो है वो इग्नोर कर देगा, मतलब वो सिर्फ अपने मतलब के लिए, मेरे आपके मतलब के लिए है, उसका इस शेल स्क्रिप्टिंग से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ओके, तो मैं शुरू करूंगा, मैं पहले करूंगा रीड, तो पहले आप रीड करो, मतलब मुझे एक तरीके से समझ लो यूजर इनपुट जब भी करवाना होगा तो मैं रीड कमांड डालूंगा। रीड मतलब इस स्क्रिप्टिंग के लिए रीड, कि भैया आप इसको रीड करो। हाइफन पी का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था ना, हाइफन पी का मतलब होता है कि वो उसको प्रिंट करेगा जो मैं कमांड डालूंगा। ठीक है, सो मैं एंटर अ नंबर, राइट, ये नंबर एंटर करेगा और जो नंबर ये एंटर करेगा वो वेयर में डाल देगा जाकर के। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो एंटर होगा वो किसमें अलॉट हो जाएगा, वेयर के अंदर। ठीक, अब ये वेयर क्या है, पर उससे पहले हम कंडीशन लगा देते हैं, मैं थोड़ा ऐसे लिखता हूँ ताकि आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। ठीक है, इफ इफ के साथ हम पहली कंडीशन लेके चलते हैं, जो कंडीशन कुछ इस तरीके से है, लाइक दिस मैंने किया वेर, ठीक है, वेर कर दूंगा मैं, ये मेरा वेरिएबल है जो मैंने यहां से नंबर लिया वो यहां डाला था, वो यहां पे कॉल हो जाएगा इससे, इससे कॉल करने का मतलब है कि वो उठा करके इसको यहां पे ले आएगा। ठीक, अब इस वेर के अंदर मैं यूज करूंगा माइनस जी टी, यानी ग्रेटर देन, जी टी का मतलब है ग्रेटर देन 10, सिंपल सी लैंग्वेज लिखी है, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। ठीक है, इफ वेरिएबल इज ग्रेटर देन 10, सिंपल भाषा में इफ वेरिएबल इज ग्रेटर देन 10, ठीक है, देन मुझे क्या करना होगा, प्रिंट करना होगा, क्या प्रिंट करना होगा, यहां पे हम इको कमांड यूज करेंगे, इको इको से मैं करूंगा प्रिंट द नंबर या ऑब्लिक वेरिएबल इज, अरे यार ग्रेटर देन, मैं यहां लिख दूंगा 10। ठीक है, तो अब आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि यहां से ये 10 से बड़ा है। ठीक है, और ये क्या कर देंगे, क्लोज, क्लोज कैसे करते हैं, इफ का उल्टा एफ आई कर देते हैं, मतलब वो यहां से क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो यहां तक बहुत सिंपल है, क्लियर हो गया है। मैं करता हूँ शिफ्ट सेमी कॉलन डब्ल्यू क्यू से हम करेंगे इसको सेव एंड क्विट करके आ जाएंगे बाहर, राइट। और मुझे इसको रन करने के लिए जैसे हमेशा हम करते थे वैसे करूंगा, मैं पहले सी एच मोड कमांड इसको दूंगा, ठीक है, प्लस एक्स करके इसको एग्जीक्यूट की परमिशन दे दूंगा और यहाँ करूंगा इफ डॉट एस एच एन, ठीक है, ये मैंने इसको दे दी परमिशन, राइट। परमिशन देने के बाद मैं इसे करूंगा रन, रन कैसे करते हैं, डॉट स्लैश, ठीक है, डॉट स्लैश, है ना, दो तरीके थे हमारे, इफ डॉट एस एच एंड हो गया, रन किया मैंने। अभी पूछ रहा है एंटर अ नंबर, हमारे ये सेल स्क्रिप्टिंग के अंदर इसको लेके जाएगा, पूछ रहा है एंटर अ नंबर, मैंने लिखा है यहाँ पे 15, सॉरी ये ना नंपैड यहां से लेता नहीं है, ठीक है, लिखा मैंने 15 एंड किया मैंने एंटर, सो द नंबर ऑब्लिक वेरिएबल इज ग्रेटर देन 10, लिख दिया ना इसने। ठीक है, अब मैं दोबारा रन करता हूं, अब मैं करता हूं इस बार 9,
तो क्योंकि इसने सिर्फ ग्रेटर के लिए मैंने परमिशन दी थी इसको, तो उसने ग्रेटर के लिए दिया, मैंने स्मॉलर के लिए नहीं दिया था तो उसने नहीं दिया। अगर मुझे इसको एडिट करना है मैं वापस से मैं जाऊंगा, ठीक है, बट उसके लिए नेक्स्ट आता है, तो उसको हम आगे देखते हैं। यहां तक इतना ही था फिलहाल, ठीक है, तो इसको हम लोग कर देंगे क्विट, कर देंगे क्विट कर देंगे बाहर, ठीक है। ये था मेरा इफ, ठीक है, अगर वाला, ठीक है, कि अगर जो है यहां पे आप एक बार देख लो, ठीक है, अगर मैं आपको सिंपली ऐसे शो करूं लाइक दिस, ठीक है, और मैंने किया यहां पे 14, राइट, अगर मैं आपको कैट करता हूं तो आपको यहां दिख जाएगा, ठीक है। अब देखो ये मैंने इसका आउटपुट है इसका, ठीक है, दिस इज द आउटपुट, राइट, और यहां से इसका है कोडिंग या प्रोग्राम समझ लो। तो इसने रीड किया, रीड करके प्रिंट किया, क्या चीज प्रिंट किया, एंटर अ नंबर, ठीक है, ये प्रिंट हुआ, मैंने एंटर अ नंबर लिख के आया था, मैंने डाल दिया 14। अब जो 14 था वो उठ के कहां चला गया, वेर के अंदर, ठीक है, वेर से इसने इफ के अंदर ले गया, कंडीशन के अंदर ले गया वो, इफ ये अगर ऐसा है देन, तो आप ये प्रिंट कर देना, सिंपल है ना, इफ इफ आ गया वेर इज ग्रेटर देन 10 तो आप ये प्रिंट कर देना, उसने ये प्रिंट कर दिया, ठीक है। तो ये था हमारा इफ। अब मैं आपको दिखाऊंगा इफ अंडरस्कोर एल्स की, अगर ऐसा एल्स वैसा, कहते हैं ना कि अगर तो वो यहां गाड़ी से आएगा तो हम सब चल लेंगे, वरना तुम लोग मत चलना, है ना, मतलब अगर और वरना लग गया ना, कि अगर वो आएगा तो ऐसा कर लेंगे, नहीं तो ऐसे कर लेंगे। तो यहां पे वो चीज है, जैसे ऊपर वाले में खाली क्या था कि अगर नंबर 10 से बड़ा होगा तो आप प्रिंट कर देना, बस इतना लिखा था, जैसे कि अगर वो गाड़ी लेके आएगा, कार लेके आएगा तो तुम चलना, अब नहीं लेके आएगा तो किसी ने मेंशन नहीं किया ना कि मैं चलूं कि ना चलूं उसके बाद, है ना। तो यहां पे एक तरफ का था कि इफ अगर ऐसा है तो पुट कर दो, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, बात खत्म, मतलब मैंने कोई कमिटमेंट नहीं दी कि अगर नहीं करेगा तो क्या करना है, ठीक है। तो हम यहां पे करने वाले इफ एल्स, ठीक है, तो नेक्स्ट इज इफ एल्स, मैं करूंगा इफ अंडरस्कोर एल्स, ठीक है, डॉट एस एच, ये डाल दूंगा मैं कमांड एंड एंटर कर दूंगा एंड आई प्रेस कर दूंगा, ठीक है। एंड हम यहां पे करने वाले अगेन दिस बिन डैश बैश, क्योंकि हमेशा हेडिंग होता है तो हम हमेशा ऐसे लिखते हैं कि जब भी कोई फाइल खोलेगा, अगर मेरी फाइल कोई खोल के देखता है उसको ये दिख जाएगा एंड ये क्लियर हो जाएगा कि ये एक टर्मिनल फाइल है, ठीक है, मतलब सेल स्क्रिप्टिंग है, राइट। तो मैं यहां शुरू करूंगा, इसको मैं लिखूंगा रीड, ठीक है, मतलब कि रीड करेगा, यूजर इनपुट मुझे कराना है, हाइफन पी लिख दूंगा एंड यहां कर दूंगा एंटर अ नंबर, राइट, ये मैंने किया एंटर अ नंबर और ये डाले मैंने किसमें, वेर के अंदर, ठीक है। सो अब यहां लिखा जाएगा इफ, पहली कंडीशन, क्या कंडीशन है मेरी, वेर, वेर जो है माइनस जी टी, यानी माइनस जी टी मतलब ग्रेटर देन 10, ठीक है, सेम है पिछला वाला ही, ठीक है। अगर ऐसा है, ठीक है, इफ दिस इज ग्रेटर देन 10 देन इको कर देना, इको क्या करना है, इको कर देना द नंबर इज ग्रेटर देन 10, ठीक है, एल्स अगर नहीं है तो भैया ये प्रिंट कर देना द नंबर इज इक्वल और लेस देन 10, ये ठीक है, राइट, इसे हम क्लोज करके, ये मैंने क्लोज कर दिया। अब आपको यहां साफ साफ दिख गया होगा कि मैंने जो चीज लिखी है वो मैंने कैसे लिखी हुई है, राइट, ठीक है। तो आपको ये स्क्रिप्टिंग यहाँ पे समझ में आ गई होगी, तो यहां तक आपको स्क्रिप्टिंग समझ में आ गई होगी, कैसे हम लोग लिखते हैं। तो आपको ना जब कोई इंटरव्यू में आप बैठोगे तो आपको वो ऐसे स्क्रिप्ट लिखवाएगा ना कि एक काम करो आप स्क्रिप्ट लिख दो जरा सा, दो नंबरों में से कौन सा ग्रेटर है, ठीक है, तो वो दो नंबर का हो गया फिलहाल, अभी हम एक देख रहे हैं। एंड अगला वाला जो मैं करने वाला हूँ एग्जाम्पल, उसमें हम मतलब आगे मतलब जो नेक्स्ट वीडियो हमारी आने वाली है उसमें हम लोग दो नंबर देखेंगे, ठीक है, मतलब मल्टीपल कंडीशन के साथ चलेंगे, तो अगला जो टॉपिक होगा वो मल्टीपल कंडीशन होगा बेसिकली, राइट। तो ये आपको स्क्रिप्टिंग का आइडिया लग गया, क्योंकि मैंने आपको बोल बोल के बता बता के दिखाया, तो आपको आइडिया लग गया होगा, ठीक है, कि हम कैसे कर रहे हैं। अब मैं करूँ शिफ्ट कॉलन डब्ल्यू क्यू, सॉरी स्मॉल में रहेगा डब्ल्यू क्यू, एक्सक्लेमेटरी मार्क डाल के हम आ जाएंगे बाहर, और मैं इसमें देने वाला हूँ इसे कमांड, ठीक है, सी एच मोड में देंगे इसको, और ये मेरी रहेगी इफ अंडरस्कोर एल्स डॉट एस एच, तो ये मैंने कमांड इसको दे दी है, मतलब इसको एग्जीक्यूटेबल मैंने कमांड इसको दे दी है, ठीक है। अब अगर मैं इसको रन करता हूं स्लैश मार के इफ अंडर स्कोर एस डॉट एस एच, अब ये रन हो गई, ठीक है। अब इसने पूछा एंटर अ नंबर, तो अगर मैं यहां पे देता हूं 11 तो आ गया था नंबर इज ग्रेटर देन 10, ठीक है। अब मैंने रन करता हूं और नंबर देता हूं मैं 9 तो आ गया नंबर इज इक्वल और लेस देन 10, इक्वल तो नहीं है मतलब लेस देन 10 यहां पे एग्री कर रहा है, ठीक है। अगर मैं दोबारा रन करता हूं नंबर आया 10 तो देखा नंबर इज इक्वल और लेस देन 10। तो आपको एक मोटा मोटा आइडिया लग गया होगा कि हमने कैसे किया इसको, नहीं लगा आपको आइडिया
एक और हमारा बचा है अभी आज का टॉपिक, जिसको मैं यहां पे कवर कर देता हूं फिर से, इफ एल्स, और ये हमारा हो जाएगा इफ एल्स एल इफ, ठीक है, मतलब इफ एल्स इफ, राइट, इफ एल्स इफ डॉट एस एच, ये मेरी कमांड है इस बार, इफ एल इफ एस एच, राइट, ये मैंने कर दी एंटर, आई दबा के प्रेस किया, हम आ गए हैं अपने कमांड लाइन के अंदर, ठीक है। तो मैं ये से कर दूंगा यहां से बिन डैश बैश, यहां तक हो गया, ठीक है। अब मैं करना लो रीड, सबसे पहले रीड करूंगा, प्रिंट कर देंगे हम पर एंटर नंबर, राइट, और ये मैंने क्लोज किया, डाल दिया मैंने वेर में, इसको मैंने डाल दिया, ठीक है। तो इफ ये मैंने डाला, सॉरी, दिस वेर इज ग्रेटर देन 10, राइट, इफ दिस ग्रेटर देन 10, देन देन आप प्रिंट कर देना, क्या प्रिंट करना है भाई, द नंबर इज ग्रेटर देन 10, राइट, ये हो गया एल्स या फिर एल इफ, ठीक है, इफ दिस एंड दिस एल इफ, हाँ एल इफ, अगर मैं यहां लिखता हूं वेर, ये मेरी सेकंड कंडीशन है, वेर इज इक्वल टू 10, ठीक है, इक्वल टू 10, यहां तक समझ आया, एल इफ वेर इज इक्वल टू 10, देन देन आपको क्या प्रिंट करना है, द नंबर इज इक्वल टू 10, ये करते हैं द नंबर इज 10, ठीक है, सबसे इजी है ये, ठीक है, द नंबर इज इक्वल टू 10, एल इफ हो गया, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूं, एल्स, एल्स में आपको कंडीशन नहीं दे रहे, देखो या तो उससे बड़ा होगा तो आप ये बता देना, ठीक है, छोटा होगा तो ये बता देना, ठीक है, ओके, इक्वल टू 10, तो ये हम लिख देंगे इक्वल 10 है, एल्स, एल्स आप सिंपली प्रिंट कर देना इको कमांड के साथ, इको द नंबर इज लेस देन 10, राइट, एफ आई से क्लोज कर देंगे। तो बहुत ही आसान है, ठीक है, बहुत ज्यादा आसान है, मैंने आपको जो बोल बोल के लिखा है, ठीक है, रीड करना है पहले, ये कंप्यूटर के लिए दिया हमने कि भैया रीड कर लो, और क्या रीड करना है, पहले प्रिंट करो उसको, तो प्रिंट किया उसने, जब प्रिंट किया इसने ये लाइन, तो मैंने वेर के अंदर जो वैल्यू मैंने यहाँ पे एंटर करी वो चली गई वेर के अंदर, ठीक है। अब वेर के अंदर से वो कहाँ गया, वो उसको कॉल किया इसने, ठीक है, अब वेर इज ग्रेटर देन 10, अगर तो वेर ग्रेटर देन 10 है देन ये प्रिंट कर देना, इको का मतलब होता है प्रिंट, तो ये प्रिंट कर देना, राइट, और अगर यहां पे वेर जो है वो इक्वल टू 10 है, राइट, तो आपको क्या करना है, वेर इज इक्वल टू 10, तो आपको यहां लिख देना द नंबर इज 10, ठीक है, एल्स द नंबर इज लेस देन 10, सिंपल सा लॉजिक है, तीन चीजें हैं, बड़ा हो तो ये लाइन, इक्वल हो तो ये लाइन, या फिर ये लाइन, छोटे की जरूरत नहीं, जब ये बड़ा नहीं है इक्वल नहीं है तो ऑब्वियसली छोटा ही होगा ना, तो ये लाइन, ठीक है। एस्केप करेंगे शिफ्ट कॉलन डब्ल्यू क्यू, दिमाग डाल के आ जाएंगे बाहर, राइट, और यहां आने के बाद मैं दूंगा सी एच मोड की परमिशन, और सॉरी मुझे देनी थी इसको परमिशन, ठीक है, इसको मैंने दे दी परमिशन, राइट। अब मैं करूंगा इसको रन, रन करने की दो कमांड होती हैं, ठीक है, सो एसएस करके भी कर सकते हैं या डॉट स्लैश भी कर सकते हैं, अगर मैंने मेरी आप अगर आपने मेरी पहले की वीडियो देखी है तो आपको पता होगा, ठीक है। तो मैंने रन किया इसको, एंड मैंने यहां करता हूं फोर, इसने बोला द नंबर इज लेस देन 10, मैंने फिर रन किया, मैंने यहां लिख दिया 10, द नंबर इज 10, राइट, मैंने फिर रन किया, यहां लिख दिया मैंने 99, द नंबर इज ग्रेटर देन 99, बहुत आसान है ना, द नंबर इज ग्रेटर देन 99, राइट। तो आप है ना इनको मॉडिफाई कर सकते हो, अपने हिसाब से चीजों को चेंज कर सकते हो, मतलब इसमें ऐसा कुछ सीन है नहीं, ठीक है, बहुत सिंपल है ये, मतलब बहुत ज्यादा सिंपल है, यहाँ पे आप चीजों को ऐड भी कर सकते हो, द नंबर करके आप देखो इसे मॉडिफाई करना है, खेलना है ना, तो आप चीजें कैसे ऐड कर सकते हो, यहां सिंपली आई कमांड डाली, यहां डाल दिया द नंबर दिस इज ग्रेटर देन 10, ऐसे लिख दिया मैंने, ठीक है, शिफ्ट समीकरण डब्ल्यू क्यू एंड डाला मैंने। अब अगर मैं इसको रन करता हूं, यहां डालता हूं 58, तो यहां लिख के आ रहा है द नंबर 58 इज ग्रेटर देन 10, मतलब मॉडिफाई करना इट्स ऑल अप टू यू कि आप कैसे मॉडिफाई करते हो। मैंने यहाँ पे खाली बोला द नंबर वेर, क्योंकि वेर के अंदर वो फाइल आ चुकी है, मतलब नंबर था वो वेर के अंदर कॉल हो रहा है, जो नंबर आप डालोगे ना वो सारे वेर की जगह चला जाएगा, ठीक है, तो वेर के अंदर आएगा तो आप उसको यहाँ प्रिंट भी करा सकते हो, वेरी सिंपल, ठीक है। आई गेस आपको वीडियो समझ में आ गया होगा, ठीक
ठीक है, और समझ में नहीं आया है तो एक बार आप इसको और देख लो, और बाकी आप प्रैक्टिस करोगे ना तो मजा आ जाएगी। ठीक है, तो इस वीडियो को मैं इतना रखूंगा जस्ट बिकॉज मुझे लगता है थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है इसमें हो आगे लोगों को, तो मैं इसको फिलहाल इतना रखता हूँ। ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट जो वीडियो हमारी आने वाली है कल, वो क्या करेगी ना, वो थोड़ा सा इससे एक स्टेप ऊपर लेके जाएगी, मतलब एक स्टेप ऊपर। जिसको बहुत आसान लग रहा है उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, जिसको डिफिकल्ट लग रहा है उसको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप लोग एक बार समझो इसको, वापस एक बार वीडियो देख लो, बहुत छोटा टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। ठीक है, तो आई गेस आपको ये समझ में आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, पुराने तो लाइक कर लो, एक प्यारा सा कमेंट कर दो, दिल से मुझे बहुत अच्छा लगता है। बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय। अपना ध्यान रखना, अपनी फैमिली का रखना, सी यू नेक्स्ट टाइम।